आज का जो हमारा विषय है, हमने रिमाइंडर थ्योरम पार्ट वन पढ़ा था, उसके बेसिक्स अभी हमें और जानने हैं। तो बिल्कुल बेसिक्स से हमें स्टार्ट कर रहे हैं, वो उस दिन ट्रायल था, रियल क्लास आपकी आज से शुरू होती है। ठीक है भाई, तो हम इन चीजों को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं। आज पहला ही दिन है, ये फर्स्ट डे क्लास है। ठीक है, वो ट्रायल के तौर पर हमने क्लास जानी थी, अब एक्चुअल क्लास से आपको आज से मिलनी स्टार्ट होंगे। तो देखो क्या होता है भाई, नंबर सिस्टम क्या है, बहुत ज्यादा यहाँ से प्रश्न आते हैं और हर कंपटीशन में आते हैं, हमें उनको कैसे हल करना है, कैसे हल नहीं करना, किस प्रकार के हमें तरीके अप्लाई करने हैं, किस बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हम आज यहाँ पे सीखेंगे। तो देखो होता क्या है, ये भाग है, भाग में क्या होता है, एक संख्या यहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं भाजक, एक संख्या यहाँ पे होती है उसको कहते हैं भागफल, और एक संख्या यहाँ पे होती है उसको कहते हैं शेषफल, और यहाँ पे जो होता है उसको कहते हैं भाज्य। ये भाग देने वाला है, इसमें भाग जाएगा, और ये हमारा भागफल जो आंसर आता है वो, और अदर जो चीज बच गई शेष, शेष का मतलब ये होगा कि जो फालतू है। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देके एक बात बताता हूँ, ये मैंने लिखा है यहाँ पे 37, इसको हम 5 से भाग देते हैं, 7 से जाएगा, कितना बचेगा, तो ये हो गया हमारा भाजक, ये भागफल और ये शेष। अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करते हो, वो क्या है, देखो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ 5 × 7 और प्लस में जो रिमाइंडर है शेष है वो अगर हम ऐड कर देते हैं तो वापिस से हमारी यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमारा एक तरीका बन जाता है, और वो तरीका क्या है वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। भाजक का और भागफल का गुणा अगर इसको जोड़ेंगे हम शेष को तो आ जाएगा भाज्य के, और यहां से काफी सवाल आ जाते हैं बेसिक बेसिक से, आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, मतलब चार चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, इनमें से आपको कोई भी तीन चीज तो दे दी जाएंगी और एक चीज आपसे पूछ ली जाएगी, तो आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पूछ करके और हम उन चीजों को निकाल लेंगे। ठीक है भाई, और इसमें दो चार बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ, वो देखते हैं। देखो मैं आपको कहूं कि 27 में 5 का भाग दो और शेष बचाओ, शेष को थोड़ी देर के लिए हम इंग्लिश में जिसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, आर से डिनोट कर देंगे तो आप लोग समझ जाएंगे आर का मतलब क्या है। अगर मैं इसको भाग देता हूँ आर शेष कितना बच जाएगा यहाँ पे, 2। मोस्ट ज्यादातर सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं हमारे, रिमाइंडर के शेष पूछेगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखे सभी विद्यार्थी, और वो ये है, जो रिमाइंडर है ना वो कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होगा। अगर रिमाइंडर भाजक से बड़ा आ गया तो उसका मतलब ये है कि हमारा सवाल गलत है, उसको फर्दर और आगे भाग देना है। ठीक है भाई, इस बात का ध्यान रखना। अगर मैं आपको कहूं 209 को 19 से भाग दो, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम भाग देंगे ऐसे 19 से कम 19 और 19 से कम 19, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो 209 है उसके अंदर 19 छुपा हुआ है। मैं इसको इनडायरेक्ट रूप से ऐसे लिख सकता हूँ 19 × 11/9 = 90। अगर मैं इसको इसे भाग देता हूँ तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 0, और 0 के साथ तो किसी को गुणा करो उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी हम ज्यादातर चीजें सीखेंगे सवालों के थ्रू, हम ज्यादा चीजों को सीख पाएंगे, तो इसलिए मैं सवाल लिखता हूँ आपके लिए, छोटा सा पहला सवाल, बिल्कुल बेसिक सा। ये सवाल है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है,
तथा शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष फल 46 हो तो बाध्य ज्ञात करो। काफी बार सवाल आता है और जहां तक उसके का विद्यार्थी हमें ना एक टाइप का एक एक दो दो सवाल ही हल करेंगे, ज्यादा सवाल हल करने में वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, तो मैं एक टाइप का एक सवाल कराऊंगा बार बार, फिर आप उसको रिपीट करके देख लेना उस टाइप के सवाल करने के लिए। ठीक है विद्यार्थी, तो ये भाई आपने ध्यान रखना आपको। तो देखो बच्चे सिंपल सा है, भाग के एक प्रश्न में भाजक है वो भागफल का तो 10 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। शेष फल हमारा 46 है तो हमें भाज्य पूछा है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए करूं तो शेष कितना होगा 46, ये इसका 5 गुना है तो 5 गुना कितना हो गया 230। और हमें पता है भाजक का भी ये 10 गुना है। कौन है 10 गुना? यही 10 गुना है। अगर ये भाजक का 10 गुना है तो भाजक कितना होना, भाजक भागफल कितना होना चाहिए 23। तो देखो अब हमारे पास सारी चीज आ गई, हमसे ये पूछा है निकाल लेंगे सिंपल सा है। 230 गुना में 23 प्लस में 46 52 90 5336। और यही सवाल का उत्तर भी है भाई 5336। तो आप थोड़ा थोड़ा इन चीजों को ध्यान दीजिए, इस टाइप के और सवाल है वो आप स्वयं से करना, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में लिख के भेज देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या फिर जो भी हमारे व्हाट्सएप के हैं व्हाट्सएप पे भेज देना आप लोग, हम उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इसी चीज। देखो नेक्स्ट टाइम अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सवाल है, काफी बार आपने देखा भी होगा। किसी संख्या को संख्या को 64 से भाग देने पर 50 शेष बचता है तो उस संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा काफी बार पेपर आता है, बहुत आसान है, सभी विद्यार्थियों का क्या हुआ भी है, आपका आंसर आ भी गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ, पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ आपको, क्योंकि बेसिक जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद हम इसका डायरेक्ट हल कर लेंगे कैसे हल करते। देखो कुछ नहीं करना है इसमें, जो बेसिक तरीका है वो क्या है, देखो कोई संख्या हम नहीं जानते, उस संख्या का एन है मान लो, ठीक है, उसको हमने 64 से भाग दिया, भागफल आएगा के, शेष कितना बचे यहां पे 50। अब बोला इसी संख्या को 16 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, तो देखो बच्चे हम क्या करते हैं, यहां से अगर मैं एन का मान निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 64 के प्लस में रिमाइंडर 50, ये हमारी संख्या आ गई 64 के प्लस में 50। अब हम यहां पे देखते हैं 64 के प्लस में 50, अगर मैं इसको 16 से भाग देता हूं तो देखो जब अलग अलग ऐसे हो ना कोई भी संख्या ए जमा बी अपॉन सी, तो हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं, ए अपॉन सी बी अपॉन सी, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है। तो देखो अगर मैं इसको 16 से भाग देता हूं तो हम जानते हैं इसमें 64 है, 64 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 बच जाएगा, और अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो शेष कितना बच जाएगा, प्लस का 2, आंसर कितना आ गया मेरे भाई 2। और यही सवाल का आंसर भी है 2। खैर इतना करने की आप सभी को जरूरत थी नहीं, आप सीधा ही कर सकते थे, जो भी हमारा ये शेष है इसमें इस भाजक का भाग दे दो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये जो भाजक हमारे से पूछा गया है ये इसका एक फैक्टर होना चाहिए, अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि ये इससे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ठीक है, नहीं जा रहा है तो फिर हमें उसको वो सी एन डी आ जाएगा, सी एन डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
वो भी करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा हम 50 में भाग दे देते हैं 16 का, 16 3 48 बचेगा कितना, तो ये सवाल का आंसर है, डायरेक्ट तरीका हो गया, हमें इतना करने की जरूरत नहीं। लेकिन 72 में ये तरीका आना चाहिए, क्योंकि कभी सवाल थोड़े से लेंथ हो जाते हैं तो हमें उनमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे और इसमें ये चीजें आपको ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं, अगला सवाल। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ बच्चे, वो ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, जैसे कि एक सवाल लिखते हैं, सवाल से सीखेंगे उस चीज को भी हम। देखो, किसी संख्या एन को 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है, तो 7n को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, एन को 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है, तो 7n को 5 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखो यार, अगर पहले बेसिक से सीखे इस चीज को, तो बेसिक क्या है, अगर मैं एन को 5 से भाग देता हूं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 2। ठीक है, अगर मैं यहां से संख्या निकालनी चाहूं तो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो, एन 5 से भाग दिया, या तो कोई भी भाजक के हो गया भागफल, तो 5k जमा में 2, ये हमारा एन का मान आ गया। अगर मैं इसको 7n करूं तो 7 से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 35k जमा में 16। तो 7n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35k जमा में 14। और अगर मैं इसको 5 से भाग दूं तो देखो ये तो पूरा पूरा कटेगा, 0 से बचेगा, और इसमें भाग देंगे कितना बचेगा, 4। क्या इस सवाल का मेरे भाई आंसर है। लेकिन यार आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी इस टाइप के सवाल में जो बदलाव हम संख्या के ऊपर करेंगे, वही सेम इफेक्ट उसके शेष पे भी पड़ेगा। अगर हम संख्या को 5 से गुणा करेंगे तो शेष भी 5 गुणा हो जाएगा, संख्या में 3 जोड़ेंगे तो शेष में भी 3 जोड़ देंगे, संख्या का स्क्वेयर करेंगे तो शेष का भी स्क्वेयर कर लेंगे, अगर हम संख्या में से घटाएंगे तो शेष में से भी घटा लेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मतलब मेरे कहने का टारगेट यह तात्पर्य है कि जो ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि भाई जैसे जमा घटा गुणा भाग, जो ऑपरेशन आप संख्या के ऊपर करोगे वही सेम ऑपरेशन आपको शेष पे अप्लाई करना है। जैसे कि चलिए सवाल था आपका, मुझे पता है 5 से भाग देने पर 2 शेष बचता है, संख्या को 7 गुणा कर दिया तो हम शेष को भी 7 गुणा कर देंगे, तो शेष कितना होगा, 14। लेकिन हम जानते हैं 5 से भाग देने पर 14 तो कभी शेष बचेगा ही नहीं, क्योंकि शेष तो हमेशा भाग देने वाले से छोटा होना चाहिए, तो हम इसको छोटा बनाएंगे कैसे, हम भाग दे लेंगे इसको, इसे 5 का भाग दे लो, अगर ये ऑलरेडी छोटा है तो रहने देंगे, और अगर ये छोटा नहीं है तो आप फर्दर भाग देके छोटा ही शेष निकालना, तो कितना उत्तर आ जाएगा, 4। और यही सवाल का आंसर। अगला सवाल देखो, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, पिछला था समझ में आया कि नहीं आया, आएगा ठीक आएगा गुरु जी, ठीक है, बता दो कितने आई तो फिर बाद में ये तो दोबारा बता देगा। अगला सवाल देखो, किसी संख्या एन को 21 से भाग देने पर शेष 13 बचता है, तो एन स्क्वायर को
21 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, ये सवाल है। अब यहां देखो, अगर हम देखें इस सवाल को तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। यहां पे शेष कितना बच रहा था, सॉरी यहां पे शेष कितना बच रहा था 13। संख्या का हमने स्क्वेयर कर दिया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें शेष का भी स्क्वेयर कर लेना है। 13 का स्क्वेयर कितना हुआ 121 से भाग दे दो इसको, 1 ही 8 168, तो शेष कितना बच जाएगा 1, और 21 सवाल का आंसर हो जाएगा। 20 तक पढ़े, 25 तक पढ़ा, और स्क्वेयर वर्ग ये सब याद रहना चाहिए आप सभी को। कैलकुलेशन फास्ट करनी से तो और भाई कौन करने तो बात थारी मर्जी से, इसको तुम कर दे, रिपीट करके देख लेना अगर किसी को दिक्कत है। अगला देखो, और सवाल देखते हैं, एक सवाल बोल रहा हूं। तीन की पावर 25, 3 की पावर 26, 3 की पावर 27, 3 की पावर 28, निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित होगा, ये सवाल है। इसके मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, और ये ऑप्शन पे डिपेंड भी करती है बात, क्योंकि ऐसी काफी संख्याएं हो सकती है जो भाग जाएंगे, हमें इनमें से ही छाट के बताना है कि कौन सी से भाग जाएगी। तो इसका तरीका क्या होता है, तरीका देख लेते हैं हम। तरीका ये होता है 3 की पावर 25 जमा 3 की पावर 26 जमा 3 की पावर 27 जमा 3 की पावर 28। यहां से ना जो सबसे छोटी पावर वो आपको कॉमन लेनी है, सबसे छोटी पावर कौन है 25 है, तो 3 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा। और मेरे भाई पावर में कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस करना, मतलब पावर है ना माइनस हो जाएगी, 25 इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, इसमें से भी घटेगा, सभी के पास में से 25 घट जाएगा। तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, 0 का मतलब तो 1 हो गया। ये 3 की पावर 1 हो गई, 3 की पावर 2 हो गई, 3 की पावर 3 हो गई। 3 की पावर 25 3 + 9 + 27 तो कितना होगा भाई 40। तो देखो ये आ गई, हमारा फाइनल रिजल्ट ही आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 25 4 × 10। आप कुछ भी लिख सकते हो, कितने 2 से भी भाग जाएगी, 3 से भी भाग जाएगी, 9 से भी भाग जाएगी, 10 से भी भाग जाएगी, 5 से भी भाग जाएगी। इनमें से पता करना है तो किससे भाग जाएगी, आप सभी को आंसर तो मिल ही गया होगा। तो कैसे 37 से तो नहीं भाग जाएगी, क्यों भाग नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 37 का कोई फैक्टर नजर नहीं आता। उसके बाद 57 से देखें तो 19 × 3 से चले जाएगी, 19 से नहीं जाएगी। 78 से देखो तो 13 का कोई रोल नहीं है, लेकिन 120 से भाग जाएगी, क्यों, देखो 120 को हम लिख सकते हैं 30 × 4 लिख लो या फिर 3 × 40 लिख लो, एक ही बात है। यहाँ पे हमें 3 भी दिखाई देता है, 40 भी दिखाई देता, दोनों दिखाई देते हैं, तो इसलिए किससे भाग जाएगी है 120 से। हालांकि ऐसे काफी ऑप्शन हो सकते हैं जो इससे भाग जाएंगी, लेकिन इनमें से 120 से भाग जाएगी। क्लियर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ, हल करना, आप लोग ट्राई करना घर पे। तीन की पावर 9, 3 की पावर 12, 3 की पावर 15 प्लस 3 की पावर है एन के किस मान पर यह संख्या एक पूर्ण घन संख्या होती है। ट्राई करना होगा नहीं वैसे तुमसे, ठीक है, फिर कर लेना कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, इसके ऑप्शन हो गई है, इन चीजों का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, तो सभी को राम राम, बोलो भारत माता की जय, खुश रहो।